हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाकर दिखाने वाले हैं। अगर आप यही इलेक्ट्रिक बोर्ड मार्केट से खरीदने जाओगे तो आपको 150 से 200 रुपये तक का पड़ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सस्ता इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाकर दिखाने वाले हैं, जो कि 40 से 50 रुपये में आसानी से बन जाएगा। और इसके साथ साथ हम इसके कनेक्शन भी आपको करके दिखाएंगे, जिसकी मदद से आप पुराने इलेक्ट्रिक बोर्ड के भी कनेक्शन आसानी से कर सकोगे। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ पीवीसी शीट के पीसेस कट कर लिए हैं, जिसका डायमेंशन इस प्रकार है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने हिसाब से भी कट कर सकते हो। और इन पीवीसी शीट को हमने पीवीसी पाइप से बनाया है। अगर आपको पता नहीं कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। और इन सभी के हमने ये डबल पीसेस कट कर लिए हैं, तो इन्हें हम रख दे रहे हैं साइड में। और इसके जो पीसेस हैं, इसके किनारे पर कुछ इस तरीके से फिक्स करके और इसे सुपर ग्लू यानी कि फेविक्विक की मदद से इसे अच्छी तरीके से चिपका लेना है। और इसी टाइप से इसके चारों पीसेस को इसके चारों तरफ हमें चिपका लेना है और एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेना है। तो फटाफट से हम सभी पीसेस को इसके चारों तरफ चिपका लेते हैं और एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो गाइस यार, हमने सभी पीसेस को अच्छे तरीके से चिपका लिया है और एक कुछ इस टाइप का बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसका जो आखिरी पीस है वो कुछ इस टाइप से फिक्स होगा। तो इसे फिक्स करने से पहले हमें लेना है एक होल्डर, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 10 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। और फिर हमें लेना है 2 ऑन ऑफ स्विच, ये आपको 10-10 रुपये में मिल जाएंगे। और फिर हम ले रहे हैं एक 3 प्लग, जो कि आपको 20 रुपये में मिल जाएगा। और ये चारों कुछ इस टाइप से फिक्स होंगे। तो इसे फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी साइज़ की मार्किंग करना होगा। तो सबसे पहले हम होल्डर की क्या करते हैं कि मार्कर की मदद से इस पीवीसी शीट पर हम मार्किंग लगा लेते हैं। और इसी टाइप से हमें ऑन ऑफ स्विच की भी मार्किंग लगानी होगी। तो जो हमारे ऑन ऑफ स्विच के अंदर की साइज़ है, उसे हम क्या करते हैं, स्केल्स की मदद से साइज़ को नाप लेते हैं, जो कि आप देख सकते हो 3.5 सेंटीमीटर × 1.5 सेंटीमीटर इसकी साइज़ है। तो हम क्या करते हैं कि स्केल की मदद से इस पीवीसी शीट पर जो ऑन ऑफ स्विच की साइज़ है, उसे हम मार्कर की मदद से अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। और इसी टाइप से सभी ऑन ऑफ स्विच की और फ्रंट जो 3 प्लग है, उसकी साइज़ को भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छी तरीके से मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी सोल्डरिंग आयरन होती है, उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है और उसकी मदद से इस पीवीसी शीट को कुछ इस टाइप से कट कर लेना है। तो इसे तो हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी रेत होती है, रेत की मदद से इसे कुछ इस टाइप से घिस घिस कर अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे देना है, ताकि जो हमारी ऑन ऑफ स्विच है और 3 प्लग होल्डर, तीन चारों इसमें अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएं। तो हमने सभी को अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे दिया है। अब हम सभी को इसमें फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा होल्डर है, इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करके और उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसे कुछ इस तरीके से कस देना है। अब जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है, इस पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेना है और 3 प्लग को भी फिक्स कर लेना है। तो हमने सभी को फिक्स कर लिया है। अब इसको जो स्क्रू वाले होल हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, मार्कर की मदद से पीवीसी शीट पर हम मार्किंग लगा लेते हैं। तो हमने तीनों को अच्छी तरीके से मार्किंग लगा लिया है। अब हम जो हमारी पतली वाली सोल्डरिंग आयरन होती है, उसकी मदद से इस पीवीसी शीट पर हम होल कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। तो हम सभी के फटाफट से होल कर लेते हैं, ताकि जो हम नट बोल्ट इसमें अच्छी तरीके से कस सकें। तो हमने सभी के होल कर लिए हैं। अब हमें कुछ इस टाइप के नट बोल्ट लेना है, जो कि ऑन ऑफ स्विच और रिफ्रेंट ये 3 प्लग के साथ ही आते हैं। तो इनके जो नट हैं, उन्हें खोल करके और इन होल पर कुछ इस तरीके से बोल्ट को फिक्स कर देना है। और इनके अंदर साइड से जो इनके नट होते हैं, उन्हें अच्छे से कस देना है। और इसी टाइप से इसके दूसरे वाले नट को भी हम कस देते हैं। और कसने के बाद इसे हम क्या करते हैं कि पेचिस की मदद से इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। और इसी टाइप से हम दोनों ऑन ऑफ स्विच को फिक्स कर देंगे और उसके जो 3 प्लग है, उसे भी फिक्स कर देते हैं। तो हमने तो तीनों को अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ इस टाइप के 2 वायर लेना है और ये फ्रेंड्स हमारे मेन वायर होंगे। तो एक वायर को हम क्या करते हैं कि होल्डर के एक पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसे हम खोल लिया है। अब हम एक वायर को इसके एक पॉइंट से कनेक्ट करके उसे पेंच की मदद से कस देते हैं। अब इसका जो दूसरा वाला वायर है, उसे हमें क्या करना है कि दोनों ऑन ऑफ स्विच के एक एक पॉइंट से हमें कनेक्ट करना होगा। तो हमने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। अब इसे हम पेंच से टाइट कर देते हैं और इसी वायर को हम दूसरे वाले ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट से हम कनेक्ट करके और इसे भी हम अच्छी तरीके से टाइट करके कस देंगे। तो हमने दोनों ऑन ऑफ स्विच के एक एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम एक और वायर लेंगे और फ्रेंड जो हमारा मेन वायर आया था, उससे हमें कनेक्ट कर देना है। और इसके दूसरे वाले स्टूडियो को, जो हमारा 3 प्लग का एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें कनेक्ट कर देना है। तो
आप देख सकते हो हमने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, और इसको जो तीसरा वाला पॉइंट है उससे हमें कनेक्ट नहीं करना है। अब हमें एक और वायर लेना है और इसे ऑन स्विच के दूसरी वाली लेग से कनेक्ट कर देना है, और इसके जो दूसरे वाले सिरे है इसे क्या करना है कि फ्रेंड थ्री प्लग के दूसरे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। लेकिन फ्रेंड इसके तीसरे वाले पॉइंट से हमें कोई भी वायर कनेक्ट नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमें एक और वायर लेना है और इसे होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है, और उसके दूसरे वाले सिरे को जो हमारा दूसरा वाला ऑन ऑफ स्विच था उसके दूसरे वाले पॉइंट से कनेक्ट करके इसे पेंच की मदद से कस देना है। तो आप देख सकते हो हमने सभी के अच्छी तरीके से कनेक्शन कर दिए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसे अच्छी तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो, और इसी टाइप से आप अपने पुराने जो हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं उसके भी आप कनेक्शन कर सकते हो। ये फ्रेंड बहुत ही सिंपल तरीका है और इसी टाइप से आप कनेक्शन कर सकते हो। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी पीवी सीट है इसके चारों कोनों पर हम सोल्डर आयरन की मदद से एक एक होल कर लेना है। तो हम फटाफट से चारों होल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसके चारों कोनों पर हमने चार होल कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने जो पीवीसी सीट का बॉक्स बनाया था उस पर एक कुछ इस टाइप से फिक्स होगा। तो जो हमारे इनपुट वाले वायर हैं उसके लिए हमें इस बॉक्स पर एक कट लगाना होगा। तो हम रेत की मदद से इसे घिस घिस कर एक कट लगा लेते हैं, और इस कट की मदद से हमारे वायर बाहर की ओर निकले रहेंगे। अब हमें इसके चारों तरफ चार स्क्रू कसना होगा, तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ करना होगा। तो इसके लिए हमने ये चार पीवी सीट के चौकोर पीस कट कर लिए हैं, और इन्हें क्या करना है कि बॉक्स के कुन्ने पर कुछ इस तरीके से फिक्स करके इसे सुपर ग्लू से चिपका लेना है, और इसी टाइप से सभी पीसेस को इसके चारों कुन्नों पर फिक्स करके इसे सुपर ग्लू से चिपका लेना है। तो आप देख सकते हो हमने चारों पीसेस को चिपका लिया है। अब ये कुछ इस टाइप से फिक्स कर लेना है, और इसे क्या करना है कि मार्कर की मदद से जो इसके होल हैं उसकी साइज को हमें मार्किंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो हमने चारों की मार्किंग कर ली है। अब हमें क्या करना है कि सोल्डर आयरन की मदद से चारों मार्क किए हुए निशान से हमें चार छोटे छोटे होल कर लेने हैं। तो हमने चारों होल कर लिए हैं। अब इसके बाद इस बॉक्स के अंदर साइड पर हम क्या करते हैं कि दो होल कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमने दो होल इसलिए किए हैं क्योंकि फ्रेंड इन होल से हम कील को ठोक करके इस बॉक्स को दीवार में फिक्स कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ये होल कर लिए हैं। अब इसे कुछ इस टाइप से फिक्स कर लेना है, और हमें लेना है कुछ इस टाइप के स्क्रू, और इन स्क्रू क्या करना है कि इस कुन्नों पर कुछ इस तरीके से फिक्स करके और इसे क्या करना है कि पेंच की मदद से अच्छे से टाइट कर लेना है। तो इसके चारों तरफ हमने चारों स्क्रू को कस दिया है। अब इसे हम पेंच की मदद से अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो फिर हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो जो इसके इनपुट वाले वायर हैं उसे हम लाइट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम एक एलईडी लेते हैं और इसे हम होल्डर से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका जो ऑन स्विच है, जैसे ही इसे हम ऑन करते हैं आप देख सकते हो कि एलईडी जल जा रहा है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इसकी थ्री प्लग की भी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा होल्डर लेते हैं और इसके जो दोनों वायर हैं उसे हम थ्री प्लग से कनेक्ट कर देते हैं, और उसका जो दूसरा वाला ऑन ऑफ स्विच है उसे हम जैसे ही ऑन करते हैं आप देख सकते हो कि एलईडी जल जा रहा है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है इसके कनेक्शन अच्छे तरीके से हुए हैं और जो हमारा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं।